दोस्तों, अक्सर प्याज की फसल में डिजीज पत्तियों से शुरू होती हैं, धीरे धीरे गंभीर रूप लेंगी और इन डिजीज की वजह से प्याज की साइज पे फर्क पड़ता है, जिससे कि सीधा सीधा किसान को उपज पे फर्क पड़ता है और किसान को प्याज की फसल में बहुत ज्यादा लॉस होता है, और लॉस ही नहीं, कई बार तो पूरा प्लॉट ही खराब हो जाता है। तो तीन ऐसी डिजीज जिनकी शुरुआती स्टेज में अंतर कर पाना ही मुश्किल होता है, किसान पहचान ही नहीं पाते कि ये डिजीज है कौन सी। तीनों ही डिजीज के बारे में कवर करूंगी इस वीडियो में, जो कि पत्तियों से शुरू होती हैं। तो पत्तियों से होने वाले तीनों डिजीज कौन कौन सी हैं? प्रभावी रूप से अगर आप सिम्टम देख रहे हैं, आपकी पत्तियों में प्याज की फसल की पत्तियां मुरझा रही हैं, सिकुड़ रही हैं, या ब्राउन हो रही हैं, येलो हो रही हैं, व्हाइट हो रही हैं, तो क्या रीजन है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, पहले से आपको क्या सावधानियां रख के चलनी है, जिसे कि ये डिजीज आपकी फसल में देखने को ही नहीं मिले, और स्टार्टिंग स्टेज में ही आप कैसे पहचान कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर दोस्तों आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट बिना स्किप किए जरूर देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे कि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहे। तो प्याज की फसल में पत्तियों से शुरू होने वाले तीन ये डिजीज हैं, बोट्रिटिस रोग, बोट्रिटिस डिजीज, सेकेंड है डाउनी मिल्डू, और थर्ड है पर्पल ब्लोच, बैंगनी धब्बा। ये तीन रोग हैं जिनको अगर शुरुआती स्टेज में पहचान कर ली तो ट्रीटमेंट भी प्रभावी रूप से तुरंत कर किया जा सकता है और तुरंत कंट्रोल हो सकता है, लेकिन लास्ट स्टेज में प्याज पहुंच गए हैं इस डिजीज की वजह से, तीनों में से कोई सी भी डिजीज है तो कंट्रोल करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब अगर बोट्रिटिस रोग के बारे में बात करूं, तो बोट्रिटिस रोग होता है बोट्रिटिस फंगस की अलग अलग प्रजातियों की वजह से ये रोग होता है, यानी कि एक फंगस जनित डिजीज ये है। तीनों ही फंगस जनित डिजीज हैं, लेकिन तीनों अलग अलग रीजन से होती हैं। बोट्रिटिस रोग की अगर पहचान हो तो दोस्तों, जैसे आप साइड में मेरे पास फोटो देख रहे हैं प्याज का, प्याज के पत्ते के जहां ऊपर से सीरा है वहां से पीला होगा और धीरे धीरे नेक एरिया की तरफ पीलापन बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ पीलापन आएगा, और नेक एरिया पे ये जैसे ही ये संक्रमण फैलेगा, गंभीर रूप लेगा, तो स्पंजी टाइप नेक एरिया हो जाएगा, वहां से सड़ांध पैदा हो जाएगी, सड़ जाएगा नेक एरिया, जिसे कि नेक रोट कहते हैं। तो ये इसकी मेन पहचान है कि पीलापन स्पॉट नहीं बन रहा है, बैंगनी टाइप का स्पॉट नहीं बन रहा है, येलो व्हाइट स्पॉट नहीं बन रहा है, पीलापन बढ़ रहा है आपकी प्याज की फसल में, और पत्तियां जहां से संक्रमित हुई है वहां से मुरझा के गिर जाएंगे या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। यह है बोट्रिटिस फंगस की वजह से होने वाला रोग, बोट्रिटिस रोग। फर्स्ट स्टेज में पत्तियां पीली होंगी, सेकेंड स्टेज में इसमें नेक एरिया खराब हो जाएगा, नेक एरिया सड़ जाएगा, और थर्ड स्टेज में बल्ब भी स्पंजी टाइप हो जाएगा, पानी जैसा स्पंजी टाइप उसमें भर जाएगा, स्पंजी टाइप लगेगा, प्याज का कंद भी खराब हो जाता है। तो ये इसके तीन स्टेज है, पत्तियों तक सीमित है और पीलापन थोड़ा कम है, उसी टाइम आप इसको कंट्रोल कर लें। अब दोस्तों, आप इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, बोट्रिटिस फंगस को कैसे कंट्रोल कर लेकिन उससे सकते हैं, पहले आपको सावधानियां क्या क्या करनी है प्याज की फसल में। तो फर्स्ट सावधानी के तौर पे आपको करना है, खाद जब भी प्याज की फसल की आप बुआई करें तब सुडोमोनास ले लें, खाद में मिक्स करना है, यानी कि जो गोबर की खाद डाल रहे हैं उसको उपचारित करना है, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, इन दोनों से आपको उपचारित करना है। जिस विधि से आप बिछा रहे हैं गोबर की खाद को, आप बिछा दीजिए, खेत की जुताई कीजिए, प्लॉट को अच्छे से, मिट्टी को अच्छे से सुखाना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसके बाद में, और फिर आप प्लांटेशन करेंगे। आपकी प्याज की फसल में डिजीज, किसी भी टाइप की फंगस जनित डिजीज देखने को ही नहीं मिलेगी, ये आप जरूर करके देखें। इस बार अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जरूर करके देखिए दोस्तों, फंगस जनित किसी भी टाइप की डिजीज आपकी प्याज की फसल में नहीं आएगी। सेकंड सावधानी के तौर पे, जैसा मैंने बताया कि नमी नहीं होनी चाहिए, जब भी आप प्लांटेशन करें तो नमी नहीं रहे प्लॉट में, इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। थर्ड है दोस्तों, जैसे आपने प्याज की फसल इस साल आपने वहां पे बुआई किया, नेक्स्ट ईयर फिर आप सेम जगह पे अगर बुआई कर रहे हैं तो ये डिजीज देखने को मिल सकती है, बार बार फंगस जनित डिजीज ज्यादा देख सकते हैं, तो आप सेम ही जगह पे बार बार प्याज की फसल ना करें।
फसल चक्र जरूर अपनाएं, और हो सके प्याज की फसल के बाद में या प्याज की फसल से पहले आप रबी खरीफ की फसलें जरूर लें। ये अगर आप अपनाते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, तो फंगस जनित डिजीज बहुत कम चांस होता है कि आए आपकी प्याज की फसल में, तो ये काम आप जरूर कर लें। और नेक्स्ट सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट कि दोस्तों, प्याज की फसल जैसे ही पक जाती है तो आपको जो अवशेष हैं वो आपको, ये नहीं कि खाद बन जाएगा आप मिट्टी में मिक्स कर देते, तो वो गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि खाद बन जाएगा इस चक्कर में वहीं पे बुआई कर देते, वो फंगस जनित डिजीज वहां से उत्पन्न होंगी और फंगस एक्टिव होगी। जैसे ही आप फसल करोगे नेक्स्ट टाइम, आपकी फसल में सेम डिजीज जरूर देखने को मिलेगी, तो आपको जलाना है उसे। या तो आप एक साइड में गड्ढा करके आप वहाँ पे डाल दें और जब भी सूखे तब जला दें, नहीं तो आप तुरंत, अवशेष नहीं होने चाहिए उनको प्लॉट में, चाहे आप जलाएं, जला जरूर दें। अब दोस्तों, अगर प्याज की फसल में ये सिम्टम देख रहे हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्याज की फसल में अगर पीलापन है, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर पत्तियों से लेकर के नीचे नेक एरिया की तरफ पीलापन आ रहा है जैसा आप फोटो देख रहे हैं, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है? इवन कि अगर आपके पास के प्लॉट में भी ये समस्या है किसी के प्याज के फसल में, तो आपकी फसल में भी ये डिजीज की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको प्रिवेंटिव ही स्प्रे कर लेने चाहिए जिससे कि ये समस्या देखने को नहीं मिले, आपका प्लॉट बिल्कुल सुरक्षित रहे। और अगर है तो चार आपको मैं फंगीसाइड बता रही हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है, चारों में से चेंज कर करके हर 15वें दिन, और अगर बिल्कुल स्वस्थ है तो हर 20वें दिन आप स्प्रे जरूर निकालना है। आपकी प्याज की फसल में किसी भी टाइप की बोट्रिटिस फंगस या किसी भी फंगस जनित डिजीज को देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्वस्थ आपकी फसल रहेगी। फर्स्ट है दोस्तों रेडोमिल गोल्ड। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो आप रेडोमिल गोल्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। मेटल एक्सिल 4% आता है, मैनकोजेब 64%, WP पाउडर फॉर्म में ये आता है। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका घोल तैयार करके अपने फसल में स्प्रे करना है। लेकिन दोस्तों, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो आप रेडोमिल गोल्ड को यूज करें, यानी नेक एरिया तक आपकी ये कोई डिजीज नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है नेक एरिया, नेक रूट की समस्या नहीं हुई है अभी, सिर्फ पत्तियों में ही पीलापन है, तो आप इसका यूज कर लें। सेकंड है, बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है, वो है नेटिव फंगीसाइड। अगर समस्या थोड़ी ज्यादा है तो नेटिव फंगीसाइड को आप यूज करें। फिर नेटिव फंगीसाइड में आता है टैबुकेनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन आता है 25%, WG फॉर्म में ये आता है। इसकी आपको डोज लेनी है 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है, यानी 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर चाहे समस्या कितनी भी गंभीर है, आप नेटिव फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, थर्ड फंगीसाइड यूज करना है UPL का कुप्रोफिक्स फंगीसाइड, जिसमें आता है कॉपर सल्फेट 47.15% और मैनकोजेब आता है 30%। इसको आप, इसकी डोज लेनी है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करें। ये दोस्तों फंगीसाइड होने के साथ साथ बैक्टीरिया साइड भी है, तो ये इसका बेस्ट पॉइंट है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है कुप्रोफिक्स फंगीसाइड। और फोर्थ फंगीसाइड आप यूज कर सकते हैं ड्यू पॉइंट का कोसाइड फंगीसाइड, जिसमें आता है कॉपर हाइड्रोक्साइड 53.8%, बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्ट फंगीसाइड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपकी अपने फसल में स्प्रे कर। और दोस्तों, अगर डाउनी मिल्डी और पर्पल ब्लोच की बात करें तो डाउनी मिल्डी का मेरा ऑलरेडी वीडियो, डिटेल वीडियो आ चुका है, क्या रीजन होते हैं, कैसे आप पहचान कर सकते और क्या उसका उपचार आप कर सकते हैं। और पर्पल ब्लोच का मेरा जल्दी वीडियो आने वाला है, तो इसी में अगर कवर करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो पर्पल ब्लोच पे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।